الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم कल या परसों या इधर दो तीन रोज के अंदर एक वाकया तो हमारे और आपके इलाके में इस स्टेट में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी का वाकया किसी एक गैर मुस्लिम ने, जिसको आप लोग जानते हैं, नाम भी जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत गलत जुमला इस्तेमाल किया और जिसके बाद फिर यहाँ के एक एमएलए ने और किसी दूसरे भी गैर मुस्लिम ने कुछ बातें आगे बढ़ी। क्या हुआ नहीं हुआ वो आप लोग जानते हैं। एक अफसोस की बात और हादसा तो ये हुआ और दूसरा जो घटना पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए है वो ये है कि सऊदी में जो वज़ारत-ए-शऊन इस्लामिया इस्लामिक उमूर के जो वज़ीर है, मंत्री है, शेख अब्दुल लतीफ़ आलु शेख यानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने एक फरमान जारी किया कि तबलीगी जमात ये बिदअत और गुमराही की तरफ लोगों को दावत देती है, कब्र परस्ती की तरफ दावत देती है और ये लोग खुद गुमराह किस्म के लोग, मतलब इसमें बहुत सारे लोग गुमराह किस्म के लोग हैं, लिहाजा तबलीगी जमात से मुसलमानों को परहेज करना चाहिए। और उन्होंने ऑर्डर दिया कि अरब के अंदर जितनी मस्जिदें हैं तमाम मस्जिदों में आज का जो खुतबा होगा वो तबलीगी जमात से बचने और तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ खुतबा दिया जाएगा। चुनांचे वो खुतबा भी इत्तेफाक से मेरे पास भी आ गया, लंदन के मौलाना साहब उन्होंने भेजा और मैंने उस खुतबे को भी पढ़ा, अरबी में है, पहला खुतबा दूसरा खुतबा। तबलीगी जमात की 9 खराबियों को उन्होंने बयान किया है खुतबे में। उस पर तफसील से कलाम करने का, बात करने का ये वक्त नहीं है। असल में मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, दो बात समझने की है, बल्कि अगर मौका मिले तो तीन बात। पहली बात यह है कि मौजूदा जो सऊदी गवर्नमेंट और हुकूमत है, आले सऊद, और अभी वहाँ के जो हुक्मरान हैं मोहम्मद बिन सलमान, इनसे पहले भी और इनके आने के बाद बहुत ज़्यादा
ऐसी बातें और ऐसे काम वहां हो रहे हैं जो वाकईतन इस्लाम के खिलाफ हैं। आप लोग टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं। अभी चंद हफ्ते पहले रियाद में इज़राइल से 20 बड़े बड़े यहूदी, बल्कि उनका जो सबसे बड़ा शेख जिनको खाखान कहते हैं, वो लोग भी आए थे और उनके साथ लंबी गुफ्तगू, उनका लंबा बहुत बेहतरीन इस्तकबाल वगैरह। और अभी 3-4 रोज पहले मुसलमानों के दिल को दुखाने वाले और इंतहाई दर्जे का मलऊन कमीना फ्रांस का सदर मैक्रोन, वो भी आया था और अरबों खरबों डॉलर का उनके साथ मुआहदा हुआ, यानी फ्रांस से ये लोग हथियार खरीदेंगे वगैरह वगैरह। इसी तरह से आज से कई महीना पहले आप लोगों ने सुना और नेट वगैरह में देखा भी होगा, वहाँ की हुकूमत ने, सऊदी हुकूमत ने सऊदी के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 300 फिल्म हॉल बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया है, पास कर दिया गया है। और सिर्फ मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, मदीना मुनव्वरा के अंदर, ज़ादह अल्लाहु शर्फ़ व करामा, सिर्फ उस शहर के अंदर 10 सिनेमा हॉल बनाने का इन लोगों ने प्लान बनाया है। सऊदी के शिमाल में, यानी उत्तर के इलाके में, बिल्कुल आखिर हिस्से में जाकर एक नई सिटी और नया शहर बना रहे हैं जिसका नाम गालिबन न्योम है। और वो शहर और सिटी दुनिया में उरियानियत, नंगापन, खुलापन, लड़का लड़का एक साथ, लड़का लड़की एक साथ रहना, नाचना, डांस करना, सब चीज़ की वहाँ खुली इजाज़त होगी। और इत्तेफाक से वो जो शहर है, वो लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती वहाँ से करीब, शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती वहाँ से करीब। लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर एक बीमारी थी, मर्द मर्द से अपनी ख्वाहिश को पूरी करता था, अल्लाह ने उस कौम को, उस पूरी बस्ती को ऊपर उठाया और उसको बिल्कुल उल्टा कर जमीन पर गिरा दिया, ऊपर से पत्थर की बारिश बरसा कर उन लोगों को हलाक किया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने भी बड़ी सरकशी और बड़ी नाफरमानी की थी, नाप तौल में कमी करते थे, उन पर भी बड़ा सख्त अजाब आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सीरिया गज़वे तबूक के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे और उस इलाके से गुजरना हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन से कहा था कि यहाँ से जल्दी से गुजर जाओ, खबरदार यहाँ कोई क़याम ना करना, कोई ठहरना नहीं, जल्दी से अल्लाह से दुआएं करते हुए गुजर जाओ। उन बस्तियों के करीब इस तरह से गुनाह, मासियत और बुराई का शहर आबाद करना, ये इस बात की अलामत और निशानी है कि शायद क़यामत और ज़्यादा दूर ना हो, दज्जाल के आने का ज़माना शायद करीब आ चुका है और उसकी इब्तिदा अल्लाह ही बेहतर जानता है कहाँ से होगा। इसी तरह से 3 कौम, मुसलमानों में से सऊदी में ये सऊदी और बहरीन, दुबई और ये जो यूएई है, खलीजी ममालिक, और इसी तरह से मिस्र वगैरह, ये यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो हुक्काम और बड़े बड़े हुकूमत के लोग हैं, इन्होंने यहूदियों के साथ और ईसाइयों के साथ मिलकर एक नया दीन बनाने का प्लान बनाया, जिस दीन का नाम दीन इब्राहिम होगा।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी भी मानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ईसाई भी मानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुसलमान भी मानते हैं। अब एक ऐसा नया दीन बनाया जाए कि जिसमें ये यहूदी, ईसाई और सऊदी खास तौर पे ये सब के सब एक धर्म के गोया के मानने वाले हो जाएंगे, सऊदी के लोग या जो उसको फॉलो करेंगे, मानेंगे उस दीन को, वो लोग धड़ल्ले इजराइल भी जा सकेंगे, यहूदी इजराइल से, अमेरिका से क्रिश्चियन ये मक्के में भी आ सकेंगे, मदीने में भी आ सकेंगे, जहां अब तक गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है। तो ये चंद खराबी मैंने आप लोगों को बतलाई, अगर गिनाया जाए तो हजारों लाखों इस तरह की बातें मिल जाएगी। इससे ऐसा लगता है, बल्कि एक और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मोहम्मद बिन सलमान का कुछ दिनों पहले एक बयान आया, जो वहां का हाकिम है, मरा है, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इनकार कर दिया कि हदीस क्या है, कुछ नहीं, हदीस का इनकार। तो इस तरह से फितने वहां उठ रहे हैं, और अगर कोई आलिम, कोई मुसलह, कोई मुरब्बी, नेक तबीयत का इंसान अगर इन बातों के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो सीधा उसको कैदखाने में डाल दिया जाता है। अब नया एक फरमान जारी हुआ 1980 में, जमात तबलीगी जमात पर वहां पाबंदी लगी थी, लेकिन फिर भी लोग काम करते थे, मुख्तलिफ तरीकों से वहां पर काम हो रहा था। ये तबलीग का काम जो इंडिया से शुरू हुआ, हजरत मौला इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से शुरू होकर और आज दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों इंसानों को तबलीगी जमात की वजह से हिदायत पर आने का मौका मिला, हजारों लाखों की तादाद में बेनमाजी को इस जमात के तुबैल से नमाजी बनने का मौका अल्लाह ने दिया, तौबा नसीब हुई। अब इस जमात पर पाबंदी लगाते हुए आज का खुतबा पूरे सऊदी के अंदर, यूएई वगैरह के अंदर तबलीगी जमात के खिलाफ इमाम साहब खुतबा देंगे, तबलीगी जमात से बच के रहो, ये तकरीर और ये खुतबा वहां पर दिया जाएगा। हम और आप इस पर जितना अफसोस करें, जितना दुख और गम का इजहार करें, यकीनन ये कम है। अफसोस इस बात पर भी कि इस खुतबे के अंदर और जो फरमान जारी किया गया है, जो लेटर भेजा गया है, उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि जमात के साथ जमात का काम करने वाले, यानी तबलीगी जमात से जो लोग जुड़े हुए हैं, ये बिदाती है, ये मौजू और ज़ईफ रिवायात को का सहारा लेते हैं, इसी तरीके से ये कबर परस्त लोग हैं, और ये चंद किताबों का सहारा लेते हैं जिसमें किस्से, कहानियां और ख्वाब वगैरह को बयान किया गया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखना चाहिए हमको और आपको, हो सकता है इमाम साहब जमात में जाते हैं इसलिए इख्तलाफ है, हो सकता है किसी और से जमात में काम करने वालों से इख्तलाफ शख्सी और पर्सनल हो सकता है, मरकज निजामुद्दीन, शूरा और इमारत वगैरह का इख्तलाफ हो सकता है, हम लोगों को अच्छा ना लगता हो, मौलाना साद साहब अच्छे ना लगते हों, मौलाना अहमद लाट साहब अच्छे ना लगते हों, गोली मारिए। लेकिन आज मौलाना साद साहब को बुरा नहीं कहा जा रहा है, अहमद लाट साहब को बुरा नहीं कहा जा रहा है, बल्कि बुरा कहा जा रहा है तबलीगी जमात को, जो तबलीग और जो दावत का काम इस उम्मत का सबसे बड़ा काम है, जो तबलीग और जो दावत का काम इस उम्मत का सबसे बड़ा काम है। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ तौर पे कहा, ऐ मुसलमानों, तुम सबसे अच्छी उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो, क्यों, तअमुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को अच्छे काम की तरफ बुलाते हो, तनहौन अनिल मुनकर, तुम लोगों को बुराई से रोकते हो, तुमीनून बिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। अगर हम और आप और सारे मुसलमान पूरी दुनिया में अगर सबसे अच्छी कौम है,
सबसे अच्छी कौम है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ कारण और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हम और आप दावत और तबलीग का काम करते हैं। जिस दिन मुसलमान दावत और तबलीग का काम छोड़ देगा, हदीस में आया, मैंने आज से 2-3 साल पहले वो तकरीर और वो बयान किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतअमुरुन्ना बिल मारूफ वलतनहउन्ना अनिल मुनकर, हे मुसलमानों तुम लोगों को अच्छे काम की दावत दो, बुरे काम से रोको, यानी दावत और तबलीग का काम करो। अगर तुमने ये काम नहीं किया और अगर तुमने दावत और तबलीग का काम छोड़ा, तो सबसे बदमाश, सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा अत्याचारी इंसान को अल्लाह तुम्हारा हाकिम बनाएगा, तुम पर मुसल्लत कर देगा और उसके बाद वो तुमको सख्त सजाएं देगा, तुम्हारी बस्तियों को उजाड़ेगा, औरतों को बेइज्जत करेगा, तुम्हारे घर बार को बर्बाद करेगा और मुख्तलिफ तरीके से वो सजाएं देंगे, मुख्तलिफ तरीके से वो तकलीफ पहुंचाएंगे। तुम नेक लोगों के पास जाओगे और जाकर कहोगे दुआ करो अल्लाह इस मुसीबत को खत्म कर दे, वो लोग जिनको तुम नेक कहते हो, बुजुर्ग आलिम मुहद्दिस मुफस्सिर कहते हो, अगर तुमने दावत और तबलीग का काम छोड़ दिया, वो लोग अल्लाह से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह जुल्म और अत्याचार का जमाना खत्म कर दीजिए, ऐ अल्लाह परेशानी को खत्म कर दीजिए, मुसलमानों को राहत और आराम और आफियत की जिंदगी नसीब कीजिए। लेकिन ला मुस्तजाब लहुम, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल नहीं करता। इसलिए नौजवान साथियों, दावत और तबलीग जिनके ऊपर सऊदी हुकूमत ने हाथ उठाया और जिनके बारे में गलत तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की, हम और आप उसकी मजम्मत, उसकी बुराई करते हैं, उस पर अफसोस का इजहार करते हैं, और सिर्फ अफसोस का इजहार करने से नहीं होगा, बल्कि एक एक फर्द को इस काम से जुड़ना पड़ेगा, एक एक मुसलमान को ये काम करना पड़ेगा और करके दिखलाना पड़ेगा कि हमारे और आपके अंदर अगर सलाह, तकवा, बुजुर्गी, अल्लाह की तरफ झुकने का मादा और सलाहियत पैदा हो सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दावत और तबलीग से। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने और आपने दावत और तबलीग का काम छोड़ा, चंद हजरात इस काम को कर रहे हैं, अल्लाह सही ढंग से उनको करने की तौफीक दे, अगर कहीं पर कुछ खामी खराबी है तो उनसे अल्लाह ताला हम सब की और दावत और तबलीग के साथियों की हिफाजत फरमाए, दुनिया के तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को खासतौर पर अल्लाह ताला पॉजिटिव समझने की, मुस्बत समझने की तौफीक अता फरमाए, और जिस दावत और तबलीग के खिलाफ आज वो बयान दे रहे हैं, मस्जिदों में खुतबा दिलाया जा रहा है, अभी से कुछ देर के बाद जब वहां जुमे का वक्त होगा तो हर मस्जिद से दावत और तबलीग के खिलाफ तकरीर की जाएगी। कितने दुख और अफसोस की बात है। हालांकि मैंने बताया कि दावत और तबलीग ही के काम की वजह से मुसलमान पूरी दुनिया में अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन उम्मत है। इसलिए हम और आप इरादा करें, तहिया करें, कोई जरूरी नहीं कि हमको 10 दिन के लिए निकलना है, 3 दिन के लिए निकलना है, अल्लाह तौफीक दे 3 दिन में निकलिए, 10 दिन के लिए निकलिए, जितना निकल सकते हैं, लेकिन दावत और तबलीग का सबसे जो पहला काम होता है वो ये होता है कि अपनी इस्लाह हो जाए, हम अपने आप को गलत और गुनाहों के काम से बचाएं, हम अच्छे काम करने वाले बन जाएं, अपने घर के फैमिली मेंबर को हम और आप अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करें। हमारा कोई लड़का है जो गलत काम कर रहा है, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ उसके सामने दीन की बातें बताएं। हमारे समाज के अंदर अगर कोई गुनाह का काम हो रहा है, अकेला 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी मिलकर और समाज से गलत काम को दूर करें, अच्छे काम का रिवाज दें, ये भी दावत और तबलीग है। अगर हमने और आपने इस तरह का काम नहीं किया, अगर हमने और आपने दावत और तबलीग का ये काम भी नहीं किया, तो याद रखिए आज सऊदी हुकूमत की तरफ से कुछ फरमान आ रहा है,
अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हजार मरतबा कहते हैं अल्लाह ना करे कि कल जाकर इंडिया हुकूमत की तरफ से कोई ऑर्डर आएगा और ये कह दिया जाएगा खबरदार कोई तबलीग में नहीं जा सकता, कोई मशवरे के लिए नहीं बैठ सकता, कोई गश्त में नहीं निकल सकता, कोई दावत और तबलीग का नाम तक नहीं ले सकता। वो दिन आने से पहले हम और आप होशियार हो जाए और दावत और तबलीग के जिस मेहनत और जिस काम पर आज सऊदी की हुकूमत ने फरमान जारी किया और हर हर मस्जिद में जिसके खिलाफ खुतबा दिया जाएगा, हम उस पर अफसोस का इजहार करते हुए अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह ताला खास तौर पे सऊदी गवर्नमेंट को, बल्कि खलीजी ममालिक यानी दुबई, अबू धाबी वगैरह और इसी तरह से बहरैन, मिस्र वगैरह, यहाँ के जो इस्लामी हुक्मरान हैं, मुस्लिम हुक्मरान हैं, अल्लाह ताला इन लोगों के दिल के अंदर दीन का दर्द पैदा फरमाए और इन सबको अल्लाह ताला सही रास्ते पर चलने की, सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए। अगर अल्लाह ने मौका दिया, तौफीक मिली, तो आइंदा फिर बात होगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।